स्वागत सभी का वीडियो में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के आवेदनकर्ताओं के लिए सूचना है। 10 अक्टूबर को या कहें कि 11 अक्टूबर को या कहें कि 12 अक्टूबर को हो चुकी प्रवेश परीक्षा पीएचडी के संदर्भ में आई है नोटिफिकेशन, जिसको आप देख चुके हैं 12 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज का वीडियो है। आपके कुछ सवाल हैं और एग्ज़ाम किसे देना है, किसे नहीं देना है, कब देना है, ये सारी बातें आप जान चुके हैं। मैं कुछ नया नहीं बताने वाला आपको, बस कुछ कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूज़न और कुछ क्वायरीज़ हैं आपकी जो आई हैं ईमेल और फेसबुक पर, उसी के जवाब देने के लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक, वीडियो देखने से पूर्व आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, जैसे फ़ोटो बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने कई लोगो लगाए हैं या कई फ़ोटो का फ़ोटो लगाया है, खींचकर स्क्रीनशॉट लगाए हैं, उनको समझाने के उद्देश्य से यही वीडियो बनाया जा रहा है। शुरू करते हैं शुरुआत से। पहली चीज, 10 अक्टूबर 2021 सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य, 10 अक्टूबर 2021 सुबह 9:30 से 11 बजे के मध्य यदि आपने भी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा पेपर एक को दिया है तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। विश्वविद्यालय क्या कहता है उसकी बात करेंगे एक एक करके, और आपके सवालों को भी लिया जाएगा। मेरी बातों को सुनने के बाद जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देने के बाद आपके मन में कोई सवाल और पैदा होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय कहता है कि प्रवेश परीक्षा के दौरान यदि किसी की प्रवेश परीक्षा पूर्ण नहीं हो चुकी है, यदि किसी की प्रवेश परीक्षा पूर्ण नहीं हो पाई है तो ऐसे विद्यार्थी एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी चीज, प्रवेश परीक्षा देते वक्त यदि आपको किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा था तो भी आप प्रवेश परीक्षा दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय फिर कहता है यदि इंटरनेट की बाध्यता के कारण, सॉफ्टवेयर की कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आप प्रवेश परीक्षा से महरूम रह गए तो भी आप प्रवेश परीक्षा को दोबारा दे सकते हैं। लेकिन जब ये तीन वाक्यों में तीन बार प्रवेश परीक्षा शब्द का यूज करता हूं ना तो ये अधूरी बात है। पूरी बात ये है, प्रवेश परीक्षा पीएचडी पेपर नंबर एक, पेपर नंबर वन ए, विश्वविद्यालय पेपर नंबर एक की बात करता है जो कॉमन हुआ था उन सभी 18 विषयों में शोधार्थियों का, जिनकी संख्या 1700 से ज्यादा 1800 से कम थी, 1783 या 1770 के आसपास कुछ रहेगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अखबार में बहुत सी खबर है, नहीं तो मैं आपको कटिंग भेज दूंगा। उन सभी विद्यार्थियों में से चाहे 7 विद्यार्थी रहे हों, चाहे 70 विद्यार्थी रहे हों, चाहे 700 विद्यार्थी रहे हों, यदि किसी को किसी प्रकार की समस्या आई है तो वे सभी विद्यार्थी पीएचडी प्रवेश परीक्षा 21-22 का पेपर नंबर एक दोबारा दे सकते हैं। लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाया यूनिवर्सिटी ने, कॉमा लगा दिया उसका कि परंतु से नई बात कह दी। नई बात क्या है, प्रवेश परीक्षा जो विद्यार्थी दोबारा देना चाहते हैं या देना चाहती हैं उसके लिए अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी यानी कि जो एग्ज़ाम देगा, लेने वाला नहीं, जो एग्ज़ाम देगा, चाहे वह लड़का है चाहे लड़की है चाहे ट्रांसजेंडर है, अपनी जिम्मेदारी पर यूनिवर्सिटी को एक ईमेल भेजेगा और ईमेल में ये लिखकर भेजेगा कि हम पेपर वन की जो प्रवेश परीक्षा किसी कारण से हम पूर्ण नहीं कर पाए उनको, उसको हम दोबारा देना चाहते हैं, इसकी अनुमति हम प्रशासन से मांग रहे हैं। और साथ ही साथ विद्यार्थी ये भी लिखेगा उसके अंतर्गत कि प्रवेश परीक्षा जो दोबारा हो रही है उसमें मान लीजिए आपके 50 में से 40 क्वेश्चन सही होते हैं या 50 में से 35 क्वेश्चन सही होते हैं, और जो पहले आपने प्रवेश परीक्षा दी थी यदि आपको लगता है उसमें आपके 30 क्वेश्चन या 45 या 48 क्वेश्चन सही होते हैं तो विश्वविद्यालय कहता है, स्पष्ट कहता है और ये सही भी है कि सेकेंड प्रवेश परीक्षा के अंक ही मान्य होंगे, प्रथम प्रवेश परीक्षा के अंक मान्य नहीं होंगे। इसको फिर समझिए, मान लीजिए आपके पेपर वन में आपको लगता है कि वो रिजल्ट तो अभी नहीं आया है पेपर वन का, पेपर टू का, ठीक है, आपको यदि लगता है कि 50 में से 20 या 30 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं यानी कि 30 नंबर हो गए आपके, लेकिन सेकेंड वाली प्रवेश परीक्षा में यदि आपके 25 क्वेश्चन सही होते हैं, 28 क्वेश्चन सही होते हैं, 20 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके पहले जो 25 या 30 नंबर आने वाले थे अब आपके 15 या 25 नंबर ही आएंगे क्योंकि आपने सेकेंड बार प्रवेश परीक्षा दी। तो इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा,
इन सभी बातों को आपको ईमेल में लिखकर भेजना होगा। ईमेल की डेट और टाइम भी आप देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, registrar.mgahv@gmail.com 18 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक आपको इस समय और तारीख तक दिए गए ईमेल आईडी पर अपनी बातों को लिखकर भेज देना है, इंक्लूडिंग 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं आपको। 2 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? आपका एडमिट कार्ड और आपका एप्लीकेशन फॉर्म। आपका एडमिट कार्ड और आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप सभी मेरे वीडियो देखने से पूर्व ईमेल कर चुके हैं तो दोबारा मत कीजिएगा, लेकिन जो क्राइटेरिया, जो प्रारूप मैंने बताया है, यदि उसमें से किसी बात को भूल गए हैं, शामिल नहीं कर पाए हैं, नहीं लिख पाए हैं, तो ईमेल को दोबारा ज़रूर कर दीजिएगा। ये था आधा नोटिफिकेशन। पूरा नोटिफिकेशन क्या है उसको भी सुन लीजिए। विश्वविद्यालय कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी प्रवेश परीक्षा पूर्ण हो चुकी है लेकिन सबमिशन होने में कुछ समस्या आई है। ऐसे विद्यार्थी जो प्रवेश परीक्षा पूर्ण तो कर चुके थे समय से, लेकिन पेपर सबमिट नहीं हो पाया, ऐसे विद्यार्थी परीक्षा दें या ना दें, ईमेल करने से पहले विश्वविद्यालय के आप चाहे कंफर्मेशन फ़ोन करिए किसी को, या बात करिए किसी से जाकर और पूछिए उनसे जाके फ़ोन पे, जैसे भी वीडियो कॉल से, कि हमने जो प्रवेश परीक्षा दी थी क्या वह सही समय पर सबमिट ना होने की वजह से क्या सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उसको सबमिट कर लिया है या स्वीकार कर लिया है। क्योंकि बहुत से बच्चों को फ़ोन भी है, उन्होंने बताया कि हमारी अधिकारियों से बात हुई, हमसे कहा गया कि यदि आपका समय पूर्ण हो चुका है और पेपर सबमिट नहीं हो पाया, क्योंकि सबमिशन के बाद एक धन्यवाद का मैसेज आता है, फोटो मैंने लगाया भी है, यदि वैसा मैसेज नहीं आया है लेकिन समय हो चुका है पूरा, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपकी परीक्षा को सबमिट मान लेगा, कर लेगा। यदि आपको ऐसी कोई सूचना फ़ोन पर या ईमेल से प्राप्त होती है तो दोबारा परीक्षा मत दीजिएगा। ये मेरा सुझाव भी है, सलाह भी है, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। लेकिन यदि आपको लगता है, क्योंकि एक सवाल और आया था कि सर हमने 50 क्वेश्चन कर दिए, सबमिट करने गए, फ़ोन में आ गया एरर, कैंसिलेशन का ऑप्शन, हमने दोबारा से जैसे ही उसको सबमिट के लिए क्लिक किया, हमारे सारे क्वेश्चन के जवाब जो हमने निशान लगाए थे सही, उनको अनचिन्हित कर दिया गया, अनटिक कर दिया गया, तो हमने पुनः सभी क्वेश्चनों के जवाब जो हमने लगाए थे उनको दोबारा से टिक करते आगे बढ़ते गए और फिर हमने सबमिट कर दिया। तो अब विश्वविद्यालय से ये भी कन्फर्म कीजिएगा कि जब हम पेपर सबमिट कर रहे थे तो हमारे सारे आंसर जो हमने लगाए थे वे अनटिक हो गए, यानी कि किसी सवाल का जवाब सी है, किसी का ए है, किसी का बी है, वहाँ से वे ऑप्शन ही खत्म हो गया। तब हमने दोबारा से लॉगिन किया, आईडी पासवर्ड डाला, सभी सवालों के जवाब फिर से दिए, 5-7 मिनट आपको फिर लगे होंगे, 5 सेकंड लगते हैं एक सवाल को जवाब आगे बढ़ने में, तो 50 सवाल के लगभग 150 सेकंड आपको लगे होंगे, 225 सेकंड आपको लगे होंगे, 5 बजे 25, हाँ 250 सेकंड लगे होंगे आपको, तो 250 सेकंड लगभग 4.5 मिनट मान के चलिए आप, 6×24 होता है, 4 मिनट 10 सेकंड आपको समय लगा होगा। तो उन 4 मिनट 10 सेकंड के बाद आपने पेपर को दोबारा सबमिट किया, तब क्या जो आपने ऑप्शन लगाए थे वह सबमिट हुए या नहीं? क्योंकि एक बच्चे का मेल आया था कि सर हमने दोबारा जब ऑप्शन लगाए तो हमारे 25 क्वेश्चन ही राइट हो पाए थे, पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया, धन्यवाद का मैसेज आ गया। एक लड़की का मैसेज आया कि सर हमको केवल 19 मिनट मिले थे और हमको लगा था कि हमारा पेपर तो देर से लॉगिन हुआ है, लगभग 11-10 बजे के आसपास लॉगिन हुआ है, तो उनको लगा कि जब उनका 40 मिनट वेस्ट हो चुका है तो विश्वविद्यालय उनको 40 मिनट अतिरिक्त देगा, लेकिन बच्ची को नहीं दिए गए, तो उनको समय कम मिला पेपर करते वक्त में और उनका पेपर ऑटोमेटिकली 11 बजे सबमिट कर लिया, धन्यवाद का मैसेज आ गया। यदि ये सब कुछ भी हुआ है आपके पास, यदि ये सब कुछ भी हुआ है आपके साथ परीक्षा देते वक्त में पेपर एक की, तब आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कीजिए, आपका लॉगिन कब हुआ, लॉगआउट कब हुआ, पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हुआ, आप सही सवालों के सभी सवालों के सही जवाब दे पाए या नहीं दे पाए इसको भी लिखिए, जो भी आपको तकनीकी समस्या आई इसको भी लिखिए, कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी की, सर्वर फेलियर की, कोई आपके पास स्क्रीनशॉट है, आपने यदि फ़ोन से फ़ोन का फोटो खींचा है, ऐसा कुछ प्रमाण है तो ज़रूर भेजिए और प्रवेश परीक्षा को दोबारा से दीजिए। और ऐसे विद्यार्थी जो प्रवेश परीक्षा दे ही नहीं पाए, जिनका लॉगिन नहीं हुआ, ऐसे विद्यार्थी को तो 100% परीक्षा देनी है, ठीक। हाँ, एक सवाल और आपका आया था कि सर जो सिलेबस में क्राइटेरिया बताया गया था, 3 एरिया बताए गए थे, उससे सवाल नहीं आए हैं।
जैसे कि रिसर्च मेथोलॉजी का क्राइटेरिया था एक, और एक क्या था रीजनिंग का था, और एक फ्लुएंसी ऑफ हिंदी था, यानी कि आपकी रीजनिंग का मतलब आप तर्क क्षमता तर्क अभिक्षमता समझते हैं, एक आपसे मेथोलॉजी रिसर्च समझते हैं, ठीक है, उसमें मेथोलॉजी रिसर्च शब्द नहीं है, ठीक है, मेथोलॉजी उसमें है पर विधि है, और एक उसमें शब्द है दक्षता, फ्लुएंसी शब्द है हिंदी दक्षता। लेकिन पेपर में सवाल किसके थे, हिंदी साहित्य के, 15 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। तो कमेंट में ये भी आया कि सर कि जो क्राइटेरिया था क्या उसी के अनुसार सवाल पूछे जाएंगे या पुनः वही हिंदी साहित्य के सवाल करे जाएंगे, हिंदी की पत्रिकाएं, हिंदी के उपन्यास, हिंदी के लेखक, किसी उपन्यास में किसी पात्र का नाम पूछ लिया, किसी उपन्यास में किसी जगह का नाम पूछ लिया, क्या ऐसे सवाल फिर से करे जाएंगे? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मेल करके इसको भी पूछिए कि सर जो आप लोगों ने पेपर एक का सिलेबस बनाया था क्या उसके बाहर के सवाल फिर से पूछे जाएंगे, और यदि पूछे जाएंगे तो कुछ किताबों के नाम भी दे दीजिए वेबसाइट पर नोटिफिकेशन में 18 अक्टूबर से पहले या फिर 22 अक्टूबर का जो पेपर होगा उससे पहले, कि हम कुछ किताबों को पढ़ सकें। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम पूछेंगे मैथोलॉजी, आप कह रहे हैं कि हम पूछेंगे भाषा दक्षता, हिंदी भाषा दक्षता, खासकर भाषा नहीं, हिंदी भाषा दक्षता, तो अगर आप जो कह रहे हैं उसमें से नहीं पूछ रहे हैं और जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में बता नहीं रहे हैं, तो कुछ किताबों के नाम हमको बता दीजिए या कुछ महत्वपूर्ण काव्यों के ग्रंथ बता दीजिए कि हम उनको पढ़ लें, रट लें और हम उसको पेपर की तैयारी करें, ऐसा बताइए। नहीं तो ये भी सवाल कीजिए कि सर जो 3 क्राइटेरिया आपने दिए हैं यदि उससे बाहर के सवाल आते हैं तब क्या यूनिवर्सिटी फिर से एग्ज़ाम करवाएगी? ये सवाल करिए, क्योंकि आपने 500 रुपये, किसी ने 300 रुपये की फीस सबमिट की है। और एक मेरी अपील भी है, जो आप अगर माने तो विश्वविद्यालय ज़रूर कीजिए कि सर बहुत से बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद है, JNU है, BHU है, SUSET में 12 यूनिवर्सिटियाँ हैं केंद्रीय, सभी ने सेंटर पर बुलाकर प्रवेश परीक्षाएँ कराई हैं, विश्वविद्यालय छोटे तो नहीं है वह भी, और उन्होंने भी हमसे फीस ली है। यदि वे सब प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन सेंटर पर बुलाकर करवा सकते हैं, इंटरव्यू भी बहुत से संस्थानों ने ऑनलाइन भी लिया है, ऑफलाइन भी लिया है, तो वर्धा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार ऑफलाइन क्यों नहीं करवा सकता है? किस चीज की चिंता है? और यदि नहीं करवा सकता है तो ये 300 रुपये या 500 रुपये की नामांकन फीस विश्वविद्यालय ने हमको क्या सुविधाएं देने के लिए ली थी? इंटरनेट भी बच्चा यूज़ करे, डिवाइस भी बच्चा खुद यूज़ करे, कमरे की व्यवस्था भी बच्चा खुद करे, आसपास का बैकग्राउंड भी, तो विश्वविद्यालय क्या करेगा? केवल एक सॉफ्टवेयर देगा, सॉफ्टवेयर तो कहीं भी डाउनलोड कर सकता है वेबसाइट पर, क्योंकि वेबसाइट सार्वजनिक है, सॉफ्टवेयर सार्वजनिक, ऐसा तो है नहीं कि उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन दिया है विश्वविद्यालय ने कि जिस एप्लीकेशन से आप एग्जाम को देंगे उसको डाउनलोड करके अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने को पैसा तो लगता है, तो वो तो फ्री है। माना विश्वविद्यालय ने पैसे खर्च करके लाखों रुपए का बनवाया, लेकिन यूज करने वाले तो फ्री कर रहे हैं। अगर आप कोई सेंटर बुक करते, हमको वहां बुलाते, तो मानते कि आपने जो हमसे 300-500 रुपये लिए हैं हमको कुछ सुविधाएं देने के लिए लिए। तो ये भी सवाल कीजिए और ईमेल में इसको भी दर्ज कीजिए कि सर यदि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में इतनी तकनीकी समस्याएं आई हैं और यदि ऐसी ही तकनीकी समस्याएं साक्षात्कार में आती हैं तब क्या साक्षात्कार दोबारा होगा? यदि दोबारा नहीं होगा तो हमारा एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितने भी योग्य हों। तो ये भी सवाल कीजिए, अपील भी है मेरी, प्रार्थना भी है मेरी, और ये मेरा ही विश्वविद्यालय, क्योंकि लगभग कई वर्षों से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, अध्ययनरत हूँ, कई कोर्स मैंने किए हैं यहाँ से, आप सभी जानते हैं, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर गलत अपने घर में ही हो रहा है, घर के लोगों के द्वारा ही हो रहा है, तो उसको चिताया जाए। हो सकता है मेरी वीडियो को देखने के उपरांत मेरे पे कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन सही को सही, गलत को गलत और सही को स्वीकारने की क्षमताएं सभी में विद्यमान ज़रूर होती हैं, लेकिन हम उसको सही समय पर ग्रहण स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी नैतिकता का अभाव ही होता है और हमारी ये नीति ही निर्देशित करती है कि हम किसे सही कहें और किसे गलत कहें। अवसरवादी से अच्छा है, निष्पक्षवादी से अच्छा है अब समीक्षक की तरह, एक आलोचक की तरह, समाज में एक सभ्य नागरिक का परिचय देते हुए सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमताएं अपने में विकसित करें, औरों में विकसित होते हुए देखें। यही कार्य है विश्वविद्यालयों का। इन शब्दों को कहा मैंने है, लेकिन लिखे और बोले मैंने नहीं है, APJ अब्दुल कलाम साहब के शब्द हैं। इसी वीडियो में इसी बात के साथ लेता हूं विदा, पुनः किसी विश्वविद्यालय के वीडियो के साथ, शायद PhD एडमिशन के साथ मिलता हूं आपसे पुनः। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, विजयदशमी है आज, देश के हजारों लाखों लोग उसको मना रहे हैं और दशानन का जन्म दिवस भी है आज, तो उसकी शुभकामनाएं, विजयदशमी की शुभकामनाएं, दशकंठी का भी जन्मदिन है आज, उसकी भी शुभकामनाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सलाम। और सवालों को ज़रूर भेज दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद 15 से 16 मिनट देने के लिए, धन्यवाद।